नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ किताबी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पीएम मोदी भी इसी वजह से इन दोनों चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी आज राजस्थान पहुंचेंगे और यहां पर कई विभागों की करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बता दें, सुबह लगभग 11:15 पर प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों की लगभग 5,000 करोड़ रुपए लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राजस्थान के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे, जहां वो सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन और आवास के साथ साथ स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। जोधपुर में एयरपोर्ट और एम्स की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। बता दें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके साथ ही जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन और वहां स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। बता दें, मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का कार्यक्रम जो है वो लंबा चलने वाला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे और वहां से 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित ये योजनाएं की जाएंगी। सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे तमाम जरूरी परियोजनाओं का पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में शिलान्यास करेंगे।